गुड मॉर्निंग क्लास. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर रीस्टार्ट आर रिवीजन. रिवीजन जो बेटा पेज नंबर 5 पे था, 1 to 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. देन अब इसके बाद हमें 6 to 15 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं, ओके, इस वीडियो में. सो आई होप आपने पेज नंबर 20 पे जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है आपने कंप्लीट कर ली होगी. नहीं की है तो जल्दी कीजिए, ठीक है. आज हम रिवीजन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, टेक आउट पेज नंबर 5. सो स्टूडेंट्स, एट पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा. फर्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट हो गया है हमारा, उसके बाद से ये आगे आप हेडिंग डालेंगे रिवीजन. रिवीजन हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे आप. काउंटिंग बाय फाइव्स, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 265 to 300. आपको 5 स्किप करना है और काउंटिंग लिखनी है 265 से 300 तक. कैसे लिखेंगे, लेट्स सी. बेटा ये नोटबुक एक स्टूडेंट की है, तो आपको ऐसे ही करना है. इससे भी सुंदर लिखना है, सुंदर वर्क करना है, ठीक है. सो हियर 265, फिर 5 आपको लेफ्ट करना है, ठीक है. स्किप करोगे तो 65, देन 66, 67, 68, 69 और 70. 5 नंबर पे आ गया 70. फिर उसके बाद क्या आएगा. इन दैट मैनर आपको सिर्फ ये नोटबुक इसलिए शो की जा रही है कि आपको कैसे वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि मैम नहीं देख पा रही है ना आपकी नोटबुक. तो आपको इस मैनर में इससे भी सुंदर वर्क करना है, ठीक है. 5 को लेफ्ट करना है, देन 265, 270, 275, 280, इन दैट मैनर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, काउंटिंग बाय टेंस, राइट द नंबरल्स फ्रॉम 144 टू 204. अब टेंस काउंट करना है आपको, ठीक है. 144 के बाद क्या आएगा बेटा, टेंस काउंट करो 10, देन वी गेट 154. फिर टेंस काउंट करो, देन 164. ओके, इस मैनर में आपको सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 116 टू 816. अब आपको हंड्रेड्स को क्या करना है, हंड्रेड्स काउंट करना है. तो 116 के बाद क्या आ जाएगा, 216, 300, 400, 500. ओके, इस मैनर में आपको कंप्लीट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन 844 टू 869. ठीक है, आपको ऑड नंबर्स लिखने हैं. ऑड क्या होते हैं बेटा, ऑड और इवन पढ़ा है ना आप लोगों ने. ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं और इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं. तो यहाँ पे 5 आता है कि 2 की टेबल में नहीं आता है. 7, 9, 1 दिख रहा है आपको. तो 844 से लेकर के आपको 869 तक के नंबर्स लिखने हैं. कौन से, ऑड. 44 तो इवन हो गया, ठीक है. अभी 45 से स्टार्ट किया, 45, 46 स्किप किया, 47, 48, 48 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. बट हमको ऑड चाहिए तो इसलिए हमने 49 लिखा, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, राइट द, अब कौन से इवन नंबर लिखना है बेटा. इवन नंबर कैसे लिखेंगे, 701 टू 723, ठीक है. तो 702 टू है ना इवन नंबर, 4 भी है, 6 भी है. ओके, सो इन दैट मैनर यू हैव टू डू. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11, बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ऑल हैविंग. ओके, अब यहाँ पर है वन डिजिट. वन डिजिट में कितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स हैं वन डिजिट के. 1 से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें तो दो डिजिट हो गए ना, 1 और 0. तो इसका आंसर क्या होगा, 9. फिर 2 डिजिट, अब 2 डिजिट में टोटल कितने नंबर होंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 10 से स्टार्ट करेंगे. और कहाँ तक काउंट करेंगे, 10 से 99. क्यों, क्योंकि 99 के बाद तो 100 आ जाएगा. और 100 कैसा हो जाएगा, 100 में 3 नंबर्स आ जाएंगे. तो हमें कहाँ तक काउंट करना है, 10 टू 99. मैम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि 10 से स्टार्ट करना है, 9 तक तो 1 डिजिट हो गया, ठीक है. अभी हमको क्या करना है, 2 डिजिट में. तो 10 टू 20 कितने नंबर हो जाएंगे, 11. फिर 21 टू 30, 10. 31 टू 40, 10, 10, 10. तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 90, ठीक है. तो इस तरह से ये हमने नंबर्स निकाले हैं कि 2 डिजिट में कितने नंबर्स होते हैं टोटल, तो 90 होते हैं. और 3 डिजिट में बेटा, 3 डिजिट में तीन अंकों की संख्या कौन सी होगी. कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्ट होगा 100 से, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए ना हमें. तो 100 टोटल नंबर कितने होंगे,
वन डिजिट 9 नंबर्स होते हैं वन डिजिट के, ठीक है। टू डिजिट में कितने नंबर्स होते हैं टोटल 90, और थ्री डिजिट में 900। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट ऑल द थ्री डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। अब आपको ये तीन नंबर्स को यूज करके डिजिट लिखनी है आपको, ठीक है, एट मैनर, ठीक है। 5, 6, 7 से आपको नंबर्स लिखने हैं, 3, 4, 8 से भी आपको नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में क्या है बेटा, आपको बिफोर एंड आफ्टर लिखना है। जैसे कि ए 200 बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर 200 के पहले क्या आता है 199, इसके बाद 201, इस मैनर में करना है सॉल्व, ठीक है। ये नोटबुक एक स्टूडेंट की है, आपको इससे भी सुंदर लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा, ऐसे वर्क करना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। एक्सरसाइज जो रिवीजन की थी, 1 to 5 क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। अब आपको चैप्टर 1.2 से आपको नोटबुक में सॉल्व करना था। तो मैडम ने आज इस वीडियो के साथ जितना भी मैथ्स का वर्क है, यानी कि 1.2 से रिवीजन के 5 क्वेश्चन को छोड़ करके उसके बाद जो आपको वर्क करना है, मैम आज उसकी पिक्चर आपको अटैच करेगी, ठीक है। तो जितना वर्क अगर आपका कुछ मिस हो रहा हो तो आप उससे मैच कर लेना कि इतना वर्क आपका है या नहीं, ठीक है बेटा। आपको ग्रुप में फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे चैप्टर के एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको नोटबुक मैनेज करना है, और ये एक स्टूडेंट की नोटबुक है, तो आपको बेटा जितना सुंदर हो सके इससे भी बहुत अच्छा लिखना है, और बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, काटा पिटी नहीं करनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस यानी कि आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए मैडम आपको ये सेंड कर रही है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।